हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ एपी सर वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को स्टडी किया है राइट right? आज बच्चों हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो टेक्चुअल क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं ओके okay? सो so आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है टेक्चुअल क्वेश्चन चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों इन फिगर ईच एंगल शोन पर हर एक एंगल्स को लेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है हमें क्या करना है फिल इन द बॉक्सेस हमें इन बॉक्सेस को फिलअप करना है बच्चों विद हेल्प ऑफ द फिगर जो आपको डायग्राम यहां पर दिख रहा है उसको आपको देखना है समझना है और उसकी मदद से इन बॉक्सेस को फिलअप करना है सबसे पहला लिखा हुआ है यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या लिखा है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके चलो देखते हैं करस्पोंडिंग एंगल्स जो एफ शेप में होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से शेप में, में होते हैं बच्चों एफ शेप में होते हैं एंगल पी एन एंगल पी के साथ कौन सा एंगल है एफ शेप में चलो बच्चों बोलिए शाबाश वेरी गुड एंगल पी के साथ है एंगल डब्ल्यू ओके तो यहां पर हमारा पहला बॉक्स फिलअप हो चुका है नाउ द वन एंगल क्यू एन अब एंगल क्यू के साथ कौन सा एंगल है एंगल एक्स तो यहां पर आएगा एंगल एक्स ओके okay. तो ये हमारा सेकेंड बॉक्स फिलअप हो गया देन एंगल आर एंगल आर के साथ कौन सा है चलो देखते हैं रेडी एंगल आर ये रहा, ओके एंगल आर के साथ है एंगल एंगल आर के साथ है एंगल ओके, देन एंगल एस एंगल एस के साथ कौन सा है चलो चेक करेंगे ओके ये है एंगल एस उसके साथ है एंगल जेड तो यहां पर आएगा एंगल जेड तो यहां पर हमने करस्पोंडिंग एंगल जो एफ शेप के होते हैं उन्हें यहां पर हमने फिलअप करके दिखा दिया बच्चों ठीक है अब आते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स किसके बारे में देखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो Z शेप में होते हैं कौन से शेप में Z शेप में चलिए एंगल S एंगल S जो है ठीक है देखते हैं एंगल S को एंगल S के साथ Z शेप में है एंगल X तो यहां पर आएगा एंगल X ओके बच्चों नेक्स्ट एंगल W एंगल डब्ल्यू के साथ जेड शेप में है एंगल आर तो यहां पे आएगा एंगल आर तो हमने पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर दिया है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अंदर हमें बॉक्सेस को फिलअप करना है और बॉक्सेस के अंदर आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछा था एंड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स पूछा था तो हमने डायग्राम में से देखकर उसे फिलअप कर दिया ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कंप्लीट अब टेक्चुअल क्वेश्चन लेंगे एक और अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है क्या पूछा है पढ़ेंगे हम ध्यान से ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर हमें क्या करना है बच्चों इस डायग्राम के अंदर इस फिगर के अंदर जो भी एंगल्स दिख रहे हैं उन्हें अच्छे से देखिए एन एन राइट द फॉलोइंग पेयर्स और हमें क्या करना है ये जो नीचे पूछा गया है इनके पेयर्स जोड़ियां बतानी है जैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की जोड़ियां बतानी है मतलब Z शेप ओके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब F शेप एंड इंटीरियर एंगल्स मतलब C शेप ओके okay? तो चलिए डायग्राम में से हम पैरस बताएंगे एक एक करके तो सबसे पहले बच्चों द फर्स्ट वन इज इंटीरियर ऑल्टरनेट angles interior alternate angles इसमें सबसे पहले Z shape में अगर आप देखेंगे Z shape में यहां पर तो angle C and angle E है okay तो पहला जोड़ी है angle C and angle E now the next pair angle B and angle H angle B एन एंगल एच तो ये हो गया हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बच्चों जो हमने शो कर दिया है नाउ नाउ द नेक्स्ट वन सेकेंड हम लिखेंगे करस्पोंडिंग एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स बच्चों होते हैं एफ शेप में कौन से शेप में होते हैं बच्चों एफ शेप में होते हैं तो चलिए इस डायग्राम में एफ शेप में कौन कौन सी जोड़ियां एक एक करके यहां पर लिख के दिखाएंगे बच्चे हम ठीक है द फर्स्ट पेयर विल बी एंगल ए एंड एंगल ओके? तो पहला जोड़ी है एंगल ए एंड एंगल ई का ओके द नेक्स्ट पेयर इज एंगल डी एंड एंगल एच एंगल डी एंड एंगल एच द थर्ड पेयर एंगल बी एंड एंगल एफ थर्ड पैर है एंगल बी एंड एंगल एफ द फोर्थ दैर इज एंगल सी एंड एंगल जी एंगल सी एंड एंगल जी तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की चार जोड़िया जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों कि जब दो गिवन लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो चार करस्पोंडिंग एंगल्स की जोड़िया बनती है राइट right? चलिए अब आते हैं थर्ड वन पे नाउ द थर्ड वन इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ओके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बच्चे वो सी शेप में होते हैं कौन से शेप में होते हैं बच्चों सी शेप अब सी शेप में कौन कौन से एंगल है बी के साथ ई एंगल बी एंड एंगल ई ओके okay? और यहां पर सी के साथ है एंगल एच दैट इज एंगल सी एंड एंगल एच तो यहां पे उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि डायग्राम देखकर डायग्राम देखकर हमें उसमें से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की जोड़ियां लिख के दिखानी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ियां लिख के दिखानी है एंड इंटीरियर एंगल्स की जोड़ियां लिख के दिखानी है तो हमने डायग्राम में से वो आइडेंटिफाई करके लिख के दिखा दिया तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया पूरा ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और टेक्सल क्वेश्चन करेंगे ना आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलिए इसे पढ़ेंगे इन द ज्वाइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरल टू लाइन बी लाइन ए इज पैरल टू लाइन बी तो यहां पर लाइन ए एंड लाइन बी बोथ आर पैरल टू ई अदर दोनों पैरल है याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था जब लाइन पैरल होता है तो करस्पॉन् एंगल्स क्या हो जाते हैं सप्लीमेंट्री इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रेन एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स दे आर ऑल्सो कांग्रेन तो चलो लाइन पैरल है तो ये चार कंडीशन आपको ध्यान में रखना है बच्चों ओके यहां पे उन्होंने क्या कहा है कि लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल तो ये लाइन एल आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसवर्सल है बच्चों और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इस डायग्राम के अंदर से एक्स जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है और इन चार में से कोई एक आंसर है एक्स का चार ऑप्शन दिया उन्होंने और ये चार में से कोई एक ऑप्शन है करेक्ट आंसर वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा बच्चों की इन चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है ओके तो चलिए सबसे पहले तो हम डायग्राम देखेंगे बच्चों ठीक है डायग्राम में सबसे पहले ओके okay, ध्यान से देखिए इस 2x को आपको यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल देखने मिलेगा राइट right? देखा आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये 2x है तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी 2x हो जाएगा ओके okay, वर्टिकली अपोजिट एंगल अब ये जो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल 2x देखने को मिल रहा है इस 2x को और इस 4x को ध्यान से देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा सी शेप मिलेगा जिसमें यहां पर 4x दिखेगा और यहां पर 2x दिखेगा चेक कीजिए ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको देखा आपने सी शेप देखा ओके अब इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोले इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल अब ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों 180 होगा इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं एम right? राइट मतलब 4x एंड 2x 4x एंड 2x का टोटल कितना होगा 180 ओके okay? अब चलो इसको लिख के देखते हैं सोल्यूशन लाइन ए इज पैरल टू लाइन बी लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ओके okay, therefore 4x plus 2x, जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलेगा रीजन है इंटीरियर एंगल क्या रीजन है बच्चों इंटीरियर एंगल क्यों हमने उनका एडिशन 180 बताया क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल सो so 6x एक्स इज इक्वल टू वन एटी एक्स इज इक्वल टू वन एटी अपॉन सिक्स अब कट करेंगे सिक्स के टेबल में वंजा एंड सिक्स के टेबल में थर्टीजा सो एक्स का आंसर आएगा थर्टी डिग्री सो एक्स का आंसर आ गया बच्चों थर्टी डिग्री तो उन्होंने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू क्या है वो फाइंड कीजिए ठीक है तो हमें मिला क्या थर्टी डिग्री चलो देखते हैं कि इन चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है तो थर्टी डिग्री आया इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके डी इज द करेक्ट ऑप्शन तो यह सब यहां पर हो जाता है सोल्व पूरा हो गया ठीक है चलिए बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ओके यहां पर भी चार ऑप्शन दिया है और चार में से एक करेक्ट ऑप्शन है सॉल्व करके पता चलेगा कि चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है चलिए क्वेश्चन में दिया है लाइन एम इज पैरल टू लाइन एन यहां पर लाइन एम और एन पैरल है पी इज द ट्रांसवर्सल ओके देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है राइट हा ना चलो तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखिए थ्री एक्स को एंड एक्स को तो दे आर इन सी शेप ध्यान से देखिए दे आर इन सी शेप अब सी शेप में है तो इन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा बच्चों वन एटी होगा दे आर सप्लीमेंट्री मतलब थ्री एक्स एन एक्स अगर मैं एड करूं तो कितना आएगा वन एटी आएगा राइट चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं लाइन एम इज पैरल टू लाइन एन लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल, therefore थ्री एक्स एंड एक्स दोनों को जब एड करेंगे तो वन एटी आएगा द रीजन इज वेरी सिंपल इंटीरियर एंगल्स ओके अब सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स इक्वल्स टू वन एटी एक्स इक्वल्स टू वन एटी अपॉन फोर टू के टेबल में टू जा टू के टेबल में 90, जा टू के टेबल में वन जा टू के टेबल में फोर्टी फाइव ट मीन एक्स इज नथिंग बट फोर्टी फाइव डिग्री और यह समय पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों तो करेक्ट आंसर क्या है इन चार में से करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री तो यह समझ हो गया किस तरीके से किया आपने देखा राइट right? आपको समझ में आ गया है राइट right? चलो अब हम एक हॉर टेक्चुअल क्वेश्चन करेंगे अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और क्या पूछा है चलो देखते हैं इन द एड ज्वाइनिंग फिगर लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरल टू इच अदर एंड लाइन टी एंड लाइन एस आर द ट्रांसवर्सल इस बार दो ट्रांसवर्सल है बच्चों कितने ट्रांसवर्सल है दो मतलब हमें थोड़ा केयरफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है डायग्राम के अंदर तब जाके हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या पूछा है और हम किस तरीके से उसका आंसर ढूंढेंगे ओके हमें यहां फाइंड करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू तो चलिए बच्चों अब इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे एक्स यहां पर दिख रहा है आपको और वाई यहां पे दिख रहा है राइट right? चलिए अब इन एक्स और वाई का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे ध्यान से यहां पे देखेंगे हम क्या करेंगे इस डायग्राम के अंदर कुछ और अल्फाबेट्स रखेंगे दूसरे कोई एंगल्स को ठीक है जैसे मैंने यहां पर इस एंगल को जेड रख दिया क्या रख दिया जेड ओके okay? अब ध्यान से देखिए ये 70 डिग्री है यहां पर और ये Z दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों एंगल को दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये Z जो आपको Z दिखाई दे रहा है ओके ये Z कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री हो जाएगा राइट क्लियर दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर समझ में आया आपको ठीक है अब इन दोनों को देखिए दे आर पैर लाइन इन दोनों को देखिए दे आर पैर लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिल रहा है और एक ऐसा ट्रांसवर्सल देखने मिल रहा है चेक कीजिए ऊपर डायग्राम में यहां पर आपको Y मिल रहा है और यहां पर Z मिल रहा है और इस Z का 70 डिग्री हमने ढूंढा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम राइट बच्चों अब इन दोनों एंगल को देखिए Z और Y को ध्यान से देखेंगे दे आर इन अ सी शेप दे आर इन अ सी शेप मतलब z और y का टोटल कितना हो जाएगा 180 मतलब इस y को हम किसकी मदद से ढूंढेंगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ओके इंटीरियर एंगल का जो रिलेशन है उसकी मदद से हम इस y का वैल्यू ढूंढेंगे तो y तक कैसे पहुंचना है ये मैंने आपको गाइड कर दिया बच्चों पहले हम वर्टिकल अपोजिट एंगल से z का आंसर लाएंगे देन z और y इन दोनों का टोटल 180 एटी होगा बिकॉज दे आर इन दे आर इन सी शेप दे आर इंटीरियर एंगल्स ओके चलो वाई तक तो हम पहुंच गए अब बच्चों वाई के बाद एक्स तक जाना है कहां तक जाना है एक्स तक जाना है ओके okay? चलो देखते हैं एक्स तक हम किस तरीके से जाएंगे ओके okay. ध्यान से देखिए तो आपको एक्स यहां पर दिख रहा है ये एक लाइन है ओके ये लाइन है P और यह ट्रांसवर्सल है चेक कीजिए बच्चों यहां पर मिलेगा X और इस X तक जाना है आपको ठीक है ध्यान से देखिए इधर आपको 40 डिग्री देखने को मिलेगा राइट हम क्या करेंगे यहां पर एक नाम रखेंगे कोई भी एक एंगल का नाम रखेंगे यहां पर A रख दीजिए A फॉर ओके अब ये 40 डिग्री यहां दिख रहा है और यहां पर हमने A रख दिया अब सोच के बताइए फोर्टी और ए दोनों कौन से रिलेशन में है दे आर इन अ लीनियर पैर दे आर इन लीनियर पैर तो फोर्टी डिग्री है तो ए कितना होगा ऑटोमेटिक क्या हो गया ए वन फोर्टी लीनियर पैर का टोटल कितना हो 180 होता है बच्चों वन एटी होता है उसमें से अगर ये फोर्टी है तो फिर एंगल ए कितना होगा सब करेंगे वन एट्टी में से फोर्टी को सब करेंगे तो ए का आंसर कितना मिला हमको वन फोर्टी तो ए का आंसर वन फोर्टी मिला बच्चों ठीक है अब इस a को देखिए और इस एक्स को देखिए ए को देखिए और इस एक्स को देखिए दे आर इन एफ शेप दे आर इन इन शेप 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 ओके लाइन है तो F के एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चों तो ये एंगल ए और एंगल एक्स इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक एंगल एक्स कितना आ गया 140 डिग्री आ गया तो एक्स तक कैसे पहुंचे हम तो मैं रिपीट करूंगा एक्स तक जाने का रास्ता मैं आपको रिपीट करूंगा सबसे पहले हम यहां पे लीनियर पैर करेंगे पैर कर करके इस एंगल ए को ढूंढेंगे एंगल ए आ जाने के बाद एंगल ए और एंगल एक्स दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो एंगल ए अगर आ जाता है तो एक्स भी मिल जाएगा वन चलिए अभी इसे लिख के देखते हैं बच्चों ठीक है इसे लिख के देखेंगे हम लोग सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे ओके रेडी सबसे पहले हम यहां पर नाम देंगे Z और यहां पे नाम देंगे A ओके okay? सबसे पहले Z ढूंढेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले Z ढूंढेंगे एंगल Z इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री रीजन है बड़ा सिंपल वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल वाई जेड इज सेवेंटी डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल ओके चलिए जेड आने के बाद Z आने के बाद Y और Z को देखेंगे बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर Y और Z दोनों C शेप में ओके सो लाइन P इज पैरल टू लाइन Q कॉमा लाइन S इज अ ट्रांसवर्सल S इज अ ट्रांसवर्सल ओके सो देर फो एंगल वाई प्लस एंगल जेड विल बी वन एट्टी डिग्री रीजन बड़ा सिंपल है इसका ओके इंटीरियर एंगल्स क्या है रीजन इसका इंटीरियर एंगल्स ओके सो वाई मुझे मालूम नहीं है जेड मुझे मिल चुका है सेवेंटी इक्वल्स टू वन एट्टी एंगल वाई इक्वल्स टू वन एट्टी माइनस सेवेंटी देट विल बी हंड्रेड एंड टेन सो वाई का आंसर कितना मिला बच्चों हंड्रेड एंड टेन डिग्री मिला चलिए अब यहां तक तो हम पहुंच गए वाई मिल गया अब एक्स की बारी आ गई एक्स के लिए सबसे पहले हमें किसको ढूंढना पड़ेगा बच्चों ए को ढूंढना पड़ेगा ए कैसे मिलेगा लीनियर पैर से ओके okay? सो so बच्चों यहां पर देखिए थर्ड स्टेप ओके थर्ड स्टेप में एंगल ए प्लस फोर्टी इक्वल्स टू वन एटी शो करेंगे ओके okay? और ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे लीनियर पैर क्या लिखेंगे लीनियर पैर ओके तो यहां पर ए का वैल्यू आने वाला है सब लोग देखिए ए इक्वल्स टू वन एटी माइनस फोर्टी दैट विल बी वन फोर्टी दैट विल बी वन फोर्टी तो चलो ए आ गया अब एक्स इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल विथ ए तो ए का अगर वन फोर्टी है तो एक्स का भी वन फोर्टी होगा चलो इसे लिख के दिखाएंगे ओके लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल सो so, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू वन फोर्टी डिग्री वाई बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल ओके तो यहां पर हमने बच्चों x का वैल्यू भी ढूंढ लिया है तो देखिए हमने कैसे किया एक बार वापस से देखिए z को हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल से 70 डिग्री ढूंढा देन लाइन पी एंड लाइन क्यू इज अ पैरल लाइन एंड एस इज अ ट्रांसवर्सल तो वाई और जेड दोनों इंटीरियर एंगल है तो हमें वाई मिल गया देन फोर्टी एंड ए फॉर्मिंग लीनियर पैर तो ए का वन फोर्टी मिला उसके बाद पी एंड क्यू इज अ पैरल लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल तो ए और एक्स करस्पॉन्डिंग हो गया ए का अगर हमारा वन फोर्टी है तो एक्स भी वन फोर्टी और यहां पर सम हो गया पूरा तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आगे रहेगा हमें राइट तो लाइन जब पैरेलल होता है तो बच्चों याद रखिए इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रेंट होते हैं ये चीजें भूलनी नहीं है हमने इन्हीं प्रॉपर्टी की मदद से यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढा है हमने ठीक है बच्चों चलिए आज के लेक्चर का इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी ओके यहां पर लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल दिया है बच्चों लाइन P एंड लाइन Q ये भी पैरल दिया है बच्चों जब हम इसको देखेंगे पैरल तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा और जब हम इसे देखेंगे पैरल तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा ठीक है और हमें इस क्वेश्चन में A, B एंड C का वैल्यू ढूंढना है ओके A, B एंड C का वैल्यू ढूंढना है बच्चों, ठीक है तो चलो यहां पर हम कुछ नाम रखेंगे एंगल्स का जैसे मैंने यहां पर डी रख दिया है ओके okay. यहां पे डी रख दिया है और यहां पे ई e रख दिया है क्लियर हमने यहां पर डी रखा तो भी चल जाएगा एक एंगल रख दिया तो भी चल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं ध्यान से देखिए सबसे पहले इस ए को देखिए और इस ए को देखिए बताइए कौन से शेप में है दोनों कौन से शेप में बच्चों सी शेप में है ना सी शेप में है। तो ए और ए का टोटल कितना होगा वन जिसमें से एट्टी माइनस करेंगे तो ए कितना आएगा हंड्रेड चलो इसे लिख के दिखाएंगे रेडी सॉल्यूशन 80 एंड ए को अगर देखते हैं तो लाइन पी इज पैरल टू लाइन क्यू ओके एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल ए प्लस एट्टी विल बी वन एट्टी डिग्री रीजन इज वेरी सिंपल इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स सो ए इक्वल्स टू वन एट्टी माइनस एट्टी दैट विल बी हंड्रेड तो ए का कितना मिला बच्चा हमको हंड्रेड डिग्री मिला कितना मिला हमें हंड्रेड डिग्री चलो ए तक तो हम पहुंच चुके हैं अब ए के बाद हम आगे बढ़ते हैं ए का हमें मिला 100 डिग्री अब इस ए को देखो और इस डी को देखो ए को देखिए और डी को देखिए क्या लगता है एफ शेप में है एफ शेप मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स सो थर्ड स्टेप ओके लाइन एल इज पैरल टू लाइन एम ओके एंड लाइन क्यू इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल ए एंड एंगल डी विल बी हंड्रेड डिग्री द रीजन इज वेरी सिंपल करस्पोंडिंग एंगल रीजन इज वेरी सिंपल करस्पोंडिंग एंगल्स ओके तो यहां तक सबको समझ में आगे रहेगा हमें राइट तो डी कितना मिला हमें हंड्रेड मिला बच्चो डी कितना मिला हंड्रेड मिला आप सब लोग यहां पर देखिए बच्चो ये डी और ये बी दोनों लीनियर पैर में दोनों लीनियर पैर में तो यहां पर B का वैल्यू लाने के लिए मुझे लीनियर पैर का स्टेप बनाना पड़ेगा लीनियर पैर का रिलेशन यूज करना पड़ेगा D एंड B दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों 180 जिसमें से D का कितना दिख रहा है 100। तो B कितना होगा 180 से जब हम 100 माइनस करेंगे तो b का आंसर आएगा 80 डिग्री ओके okay? तो चलो सो so, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री वाई बिकॉज दे आर इन अ लीनियर पैर ओके डी हंड्रेड आ चुका है बी मुझे मालूम नहीं है इक्वल्स टू वन एट्टी सो एंगल बी विल बी वन एट्टी माइनस हंड्रेड दैट विल बी एट्टी डिग्री क्लियर चलो यहां पर हमारा बी भी आ गया अब बच बचा है सिर्फ सी लाना ओके okay? अब ध्यान से देखिए सी को और ध्यान से देखिए बी को बी का आ चुका है एट्टी डिग्री बी का आ चुका है एट्टी डिग्री और बी और सी दोनों जो है दोनों एफ शेप में है मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो सी कितना होना चाहिए डेफिनेटली एट्टी डिग्री होगा कितना होगा बच्चों? एट्टी डिग्री होगा अब इसे लिख के दिखाएंगे बच्चों, ठीक है लाइन पी इज पैरल टू लाइन क्यू लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल सी एंड एंगल बी बोथ आर इक्वल और दोनों का 80 डिग्री है रीजन करस्पोंडिंग एंगल्स रीजन इज करस्पोंडिंग एंगल्स ओके सो यहां पर हमने सी को भी ढूंढ लिया है बच्चों ठीक है तो देखिए कैसे ढूंढा हमने यहां पे देखिए डायग्राम में 80 और ए

सो so, बच्चों आज हमने कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन को सॉल्व किया होप्स हो so, कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा एम राइट right? आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजेदार टेक्सुअल क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच